एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया था फिरदौस अहमद, जो एक एज ए टूरिस्ट गाइड वो काम करते थे, अभी अभी उनकी डेड बॉडी जो है मिली है। कहाँ से मिली है, किन परिस्थितियों में मिली है, हम जानेंगे। हमारे साथ इशफाक ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सीनियर साथी गुलमर्ग से। इशफाक बताइएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले हमने बताया था इस नौजवान की तस्वीर भी दिखाई थी, कि किसी को भी मिलता है तो जल्द से जल्द ट्रेस हो और सही सलामत घर पहुंचे। पर बहुत दुखद है कि वो फिरदौस अहमद की जगह उनकी जो डेड बॉडी है वो पाई गई है। बिल्कुल प्रियंका मैम, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि फिरदौस अहमद जो यहाँ पर एक टूरिस्ट गाइड था, गुलमर्ग में काम कर रहा था, सयाहों से, अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कंफर्मेशन मिली है कि उसकी डेड बॉडी जो है वो सयाहदी मुकाम गुलमर्ग और द्रंग के बीच में एक नाला है, उस जिसे खर नाला के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसकी डेड बॉडी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम ने जो है वहां पर पाई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस अब जो है वहां पर उस डेड बॉडी को जो है टंगमर्ग एसडीएच पहुंचाएगी, और वहां पर जो बाकी लवाजमात होते हैं उनको पूरा करने के बाद जो ये डेड बॉडी है वो उनके घर वालों को सौंप दी जाएगी। किन हालातों में डेड बॉडी पाई गई है, पुलिस की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिला है? देखिए अभी इसमें हमें कंफर्मेशन नहीं है, अभी यही पुलिस ने जो जराये ने जो कहा है कि अभी रेस्क्यू पुलिस को जो डेड बॉडी मिली है वो वहां से पिक की गई है और उन्हें टंगमर्ग पहुंचाया जाएगा, और बाद में जो लवाजमात होते हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, और जो इसमें मजीद जो पेशरफ्त होगी वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अभी हमें यही कंफर्मेशन मिली है कि जो खबर हमने चंद मिनट पहले चलाई थी कि एक टूरिस्ट गाइड जो मिसिंग है और सारे लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे कि वो उससे अच्छी तरीके से उसे सहतियाब हो और वो उनके घर वालों को जो है वो मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है अभी जो अभी ये इंफॉर्मेशन मिली है कि रेस्क्यू टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने खरनाला के मुकाम पर जो है एक डेड बॉडी पाई है जो फिरदौस अहमद की है। बिल्कुल। और इस हवाले से क्या है कि एज ए टूरिस्ट गाइड वो क्या कब से काम कर रहे थे, और जब लास्ट टाइम उन्हें देखा गया, क्या वो किसी टूरिस्ट के साथ कहीं पर गए थे, कि क्या इस हवाले से अभी तक पता चल पाया है? पहले से ये पेशरफ है, आपको पता हो है कि अगर हम सायदिमकाम टंगमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान है वो उनकी ये कोशिश रहती है कि अगर उनके उनका रोजगार नहीं मिलता है तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो सयाहत से जुड़े रहते हैं और सयाहों से अपनी रोजी रोटी जो चलाते हैं। लेकिन कल भी एक इसी तरह से ही वो सयाहों के ग्रुप के साथ गया था, ट्रैकिंग पर गया था, जो जो सयाहों ने कहा है कि वो हम ट्रैकिंग पर गए थे गुलमर्ग के लिए, और अचानक वो जो है सयाहों के ग्रुप से जो छूट गया है, यही खबरें अभी सामने आ रही है जो पुलिस की तरफ से दी गई है कि वो ग्रुप से छूट गया, और उसके बाद सयाहों ने पुलिस के पास जो बयान दिया है कि वो जो है उनसे बिछड़ गया, और उसके बाद में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी तलाशी जो है शुरू की थी और अब जो है उसकी डेड बॉडी जो है मिल गई है। तो हम ये कहेंगे कि ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का जो अब वाकया पेश आया और फिरदौस अहमद जो है वो हमारे बीच अब नहीं रहे, तो हम भी ये दुआ करते हैं कि फिरदौस अहमद को जो है जन्नत आला मुकाम जो मिले, कि वो जो है या अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बिल्कुल, सयाहों के ग्रुप से छूट गए थे जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो सयाहों के साथ ही लास्ट टाइम कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गए थे? ये यहाँ से टंगमर्ग से गुलमर्ग गए थे, और गुलमर्ग के आपको पता है कि गुलमर्ग में काफी ऐसी व्यू पॉइंट है जो जहाँ पर सयाह पहुंचते हैं, और कोशिश उनकी यही रहती है कि वो व्यू पॉइंट को देखे और वो उनको वहां पर जो है तस्वीरें खींचे और वहां पर जो है उस पूरे दिलफरेब नजारे को जो है वहां विजिट करे, और वहां पर जो ये करनाला का मुकाम है और अफरवट पर ये यहाँ पर इस एरिया में जो है वहां पर घूमने के लिए गए थे, और वहीं से जो है कल ये शाम को जो है इतला जो महसूल हुई कि वहां जो है सयाहों से छूट गए थे, और कहीं ना कहीं आज जो है इस वक्त जो है ये खबर आ रही है कि आपको उसकी डेड बॉडी जो है वो उसी एरिया से जो है मिली है। बिल्कुल। जो व्यूअर्स इशफाक इस टाइम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि फिरदौस अहमद इनका नाम बताया जा रहा है, और कहाँ पर ये रहते हैं, और क्या जानकारी इस नौजवान के हवाले से सामने आ रही है? फिरदौस अहमद के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है तो फिरदौस अहमद भट्ट जो है ये गुलाम अहमद भट्ट जो है का बेटा जो है कट्टीपुरा टंगमर्ग जो है कट्टीपुरा टंगमर्ग से ही ताल्लुक रखते हैं, जो एक सयाती मुकाम जिसे इको टूरिज्म विलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये कट्टीपुरा टंगमर्ग का रहने वाला है। ये हम अपने नाजरिन तक यही अपडेट अभी पहुंचा रहे हैं, फिलहाल हमारे पास यही जानकारी है जो अपने नाजरिन तक हम शेयर कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तो इशफाक हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए थे, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि हर कोई दुआ कर रहा था कि फिरदौस अहमद जब मिसिंग हुए, हर कोई दुआ कर रहा था कि फिरदौस अपने घर पर सही सलामत पहुंचे, पर ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि डेड बॉडी फिरदौस अहमद की पाई गई है, और जो घर वाले हैं जाहिर तौर पर आप जानते ही होंगे या समझ पा रहे होंगे कि उन पर क्या बीत रही होगी, जो फिरदौस उसके घर से ही सलामत आने का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी जो डेड बॉडी पाई गई है, उनका क्या हाल होगा, खैर लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, पर एज ए टूरिस्ट गाइड फिरदौस अहमद काम कर रहे थे, और सैयाहों का जो ग्रुप है उनसे ये छूट गए थे, और उसके बाद ये मिसिंग हुए थे, जिसके बाद अब इनकी डेड बॉडी मिली है। तो फिलहाल इसी दुखद खबर के साथ लूंगी इजाजत, देखते रहे जी।